गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र सी के यादव आप सबके लाया हूँ फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक क्लास 10th का शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं लाबीम्स एक ऐसी चैनल जो आपको जीरो टू टॉप तक लेकर जाएगी। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये चैप्टर नंबर 4 होने वाला है हम लोगों के लिए। अभी तक हम लोग तीन चैप्टर तक देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग MCQ और सभी चीज़ें अटेंड करेंगे फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब एना फ्रैंक्स फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। मतलब एना फ्रैंक के पास जो डायरी थी उसके भावना के बारे में बताना है कि एना फ्रैंक की कैसी भावना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एना थिंक्स, एना सोचती थी इट्स सिली। सिली मतलब होता है बड़ा ही अजीब लगना, मूर्खतापूर्ण लगना। अ 13-year-old टिंगर, एक 13 साल की मासूम सी लड़की, टू कीप अ डायरी, कि वह डायरी रखे, बिकॉज क्योंकि इट सीम्स लाइक अ हैज मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ढेर सारे मित्र थे। एंड अदर पीपल, और दूसरे लोग भी, टू टॉक टू, या बातें करते थे, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में सी सेज वह कहती थी दैट की सी फील्स, उसे महसूस होता था वेरी लोनली, अकेलापन इन द वर्ल्ड, इस संसार में। मतलब उसके आसपास तो बात करने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसे इस दुनिया में अकेलापन लगता था। सी वॉन्टेड हर डायरी टू बी अ फ्रेंड्स, इसलिए वह अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाई। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे प्यारे मित्रों, मैं सीके यादव लाबीम्स की तरफ से आप सब के लिए लाया हूँ 0 to Top batch, जिसमें आपको क्लास 10th की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। अगर आप इस पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यारा मित्र सीके यादव लाबीम्स की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया व्हाई डज एना थिंक्स दैट प्रॉपर्स हैज मोर पेशेंस देन पीपल्स। मतलब एना क्यों सोचती थी कि कागज के पास जो लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होती हैं। तो एना थिंक्स, एना सोचती थी दैट कि पेपर्स हैज मोर पेशेंस, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है, हैज पीपल्स, लोगों की अपेक्षा, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, बिकॉज क्योंकि इट मेक्स हर लिसन, क्योंकि वो उसकी बातों को सुनता है मोर पेशेंसली, बड़ी पेशेंसली मतलब होता है चुपचाप, धैर्यपूर्वक, एंड क्वाइटली, और शांतिपूर्वक। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वह दूसरे लोगों की तरह कोई रिएक्ट नहीं करती। एंड ऑल्सो बिकॉज, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि सी कैन नॉट हाइड ऑल दियर सीक्रेट्स इन हर डायरी, क्योंकि वह अपने डायरी में किसी भी बातों को छिपा सकती थी, कैन हाइड, छिपा सकती थी अपने किसी भी सीक्रेट को, किसी भी रहस्य को। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब योर यूज अबाउट द मिस्टर किसिंग एज ए टीचर। मिस्टर किसिंग के बारे में अपना अभिव्यक्ति रूप देना है कि मिस्टर किसिंग एक शिक्षक के रूप में कैसे थे। तो मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी द स्ट्रिक्ट टीचर्स, मिस्टर किसिंग जो थे वह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त शिक्षक, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में थे। बट लेकिन ही रियली, वह वास्तव में बिलीव इन टकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट्स, लेकिन वह लोगों के अक्सर इरादों को बदलने के लिए कार्य करते थे, अब चाइल्ड बच्चों की, विद गुड इंटेंशन, अच्छी ध्यान को देकर के। ही ट्राई टू कंट्रोल एनाज बैड हैबिट्स, ही ट्राइड, वो प्रयास करते थे, टू कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करने का, एनाज बैड हैबिट मतलब होता है एना के बैड हैबिट को। ऑफ टॉकिंग टू मच, अधिक जो बात करती थी, जो ज़्यादा बातें किया करती थी। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इज श्योर, वह निश्चित हो गए दैट की हर हैबिट डज नॉट अफेक्टेड हर स्टडीज, कि उसके बात करने का तरीका उसकी स्टडी में कोई परेशानी नहीं डालता। ही ओवरलुक्स हर डिफिशियंसी, तो वह उसे बड़ी ही उस बातों को नज़रअंदाज करने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज एना एंटायर क्लास एनेक्सिशियस एंड नर्वस। पूरी कक्षा में एना बहुत ज़्यादा घबराई हुई और चिंतित क्यों थी। एनाज एंटायर क्लास, एना का पूरा क्लास वाज एनेक्सिशियस, चिंतित था, एंड नर्वस, और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था अबाउट द रिजल्ट, परिणाम को लेकर के। बिकॉज ऑन दैट डे,
क्योंकि उस दिन इट वॉज टू बी डिसाइडेड या निश्चय होने वाला था हु वुड बी प्रमोटेड, कौन पास होगा, द अपर क्लास अगले कक्षा के लिए, और या हु वुड बी नॉट और कौन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि मैनी पीपल्स डिजर्व इट मतलब होता है इसके हकदार थे, मतलब बहुत से लोग फेल होने के हकदार थे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अबाउट द एनाज अर्ली एजुकेशन, एना के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एना फ्रैंक रिसीव्ड हर अर्ली एजुकेशन एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। सबसे पहले एना का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह कहाँ था बेटा, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में था, अंटिल द एज ऑफ 6 मतलब होता है 6 साल की उम्र तक। सी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म, उसने वहाँ से पहली और छठी कक्षा तक अध्ययन किया। सी डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशनशिप विथ हर हेडमास्टर मिस्टर कूपर्स, मतलब जो मिस्टर कूपर्स थे उनसे उसका काफ़ी अच्छा आचरण था, काफ़ी अच्छा संबंध था। दैट की बोथ ऑफ देम पार्टेड विथ टीयर्स, क्योंकि दोनों के समय में पार्टेड जब अलग होने लगे तो दोनों के समय में आंसू आ गए, दोनों की आंखें में आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज एना राइट इन हर फर्स्ट एसे, एना ने पहले एसे में क्या लिखा था। तो एना ने लिखा दैट की टॉकिंग इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, कि लोगों की बात करने की एक विशेष प्रकार की गुण होती है। सी डिड नॉट टॉक इन कंट्रोल, वह इसलिए नियंत्रण नहीं कर पाती बिकॉज क्योंकि हर मदर यूज टू टॉक अलॉट, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलती थी। सी हैड इनहेरिटेड, और इस कार्ड वॉज हेरिटेड मतलब होता है विरासत में मिलना, दैट क्वालिटी वह गुड फ्रॉम हर मदर उसकी माँ से, मतलब इसलिए उसने लिखा कि वह उसे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर किसिंग बहुत ही दयालु थे, बट स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका हो जाएगा यस, हाँ मिस्टर किसिंग जो थे वह वास्तव में स्ट्रिक्ट टीचर थे, बट ही डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू टॉक इन द क्लास, क्योंकि वह लोगों को बच्चों को क्लास में बात नहीं करने देते थे, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू देम, क्योंकि वह चाहते थे कॉन्करेंट मतलब होता है ध्यानपूर्वक, पूरी ही अनुमतिपूर्वक ऑन देयर स्टडीज, अपने शिक्षा पर लगाएं, मतलब वह चाहते थे कि वह अपने पूरा ध्यान क्या लगाएं शिक्षा पर। ही ऑफ्टन पनिश्ड, यहाँ तक कि उन्होंने पनिश भी किया एना फॉर टॉकिंग इन द क्लास में एना के बात करने पर, बाय गिविंग हर एसे एंड एक्स्ट्रा होमवर्क, एक एसे और एक्स्ट्रा होमवर्क को देकर के। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज एना फील्स अबाउट हर फादर्स ग्रैंड मदर्स एंड मिस्टर क्यूपरस। एना फ्रैंक जो थी वह अपने क्यूपरस के बारे में, दादी के बारे में और अपने पिता के बारे में क्या महसूस करती है। एना थिंक्स हर फादर्स वाज द स्वीट फादर्स एवर, एना महसूस करती है कि उसके पिता सबसे अच्छे पिता थे। एना रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर्स, एना को अपने दादी माँ के बारे में अच्छे से याद है इवन आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी। सी रोट इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती हैं दैट की नो वन न्यूज, कोई नहीं जानता था हाउ ऑफ्टन सी थॉट कि वह किस प्रकार की सोच रखती थी ऑफ द ग्रैंड मदर, अपनी माँ को लेकर के, अपने दादी माँ को लेकर के। इन हर सिक्स्थ क्लास, जब वह छठी कक्षा में थी एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस, उसके जो शिक्षिका थी वह मिसेस क्यूपरस थी, और हु वाज आल्सो द हेडमिस्ट्रेस, और जो वास्तव में वहाँ की प्रधानाचार्य थी मतलब प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, दे वर बोथ वीपिंग्स विथ लव एज दे टुक अ हार्ट ब्रेकिंग फेल। अंत में जब वो दोनों विदा होने लगते हैं तो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अंत में रोने लगते हैं, जो उनके दिल को हार्ट ब्रेकिंग कर देता है, दहला देता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड एना स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एना कहाँ रहती थी। तो एना स्टेड फ्रॉकफर्ट के जर्मनी में रहती थी बिफोर गोइंग हॉलैंड जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज एना इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मोनेस्ट्री स्कूल, जो मोनेस्ट्री स्कूल वह छोड़ने लगी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। व्हेन शी लेफ्ट मोनेस्ट्री स्कूल, जब वो मोनेस्ट्री स्कूल छोड़ने लगी
मोंटेसरी स्कूल छोड़ने लगी। एना है टीयर्स इन हर आइज, एना की आंखों में आंसू थे बिकॉज क्योंकि द हेड मिस्ट्रीज दीज मिसेज क्यूपर क्यूपरस हैड बीन हर टीचर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो सोचती है कि वो लंबे समय तक उसकी प्रधानाध्यापिका नहीं रह जाएंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं लाबिम्स। अब हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं लॉन्ग आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है एना के लाइफ के बारे में बताना है। तो डायरी राइट, डायरी लिखी गई एना वाज बॉर्न इन 1929। एना का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, कहाँ? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट में 12 जून 1929 को। और फ्रैंकफर्ट पड़ता कहाँ है? जर्मनी। व्हेन शी वाज 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह 4 साल की थी, हर फादर मूव टू द हॉलैंड, उसके पिता हॉलैंड चले गए इन सर्च ऑफ बेटर प्लेस फॉर फैमिली टू लिव, अपने परिवार के रहने के लिए। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रिसेप्टिव, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और थोड़ा शांति मन की थी। एंड शी वॉन्टेड टू बी अ राइट, और वह कुछ लिखना भी चाहती थी। एना वाज इनोसेंट, एना बहुत ही मासूम थी, एंड इंटेलिजेंट गर्ल, और बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। फ्रॉम द यंग एज ऑफ 15, जब वो 15 साल की हुई, सी डेवलप्ड इनटू अ सेंसिटिव थिंकर, वह एक अच्छी सोच के अच्छी विचारिका के रूप में उभर कर आई। ओवर द कोर्स ऑफ डायरी, उसने एक डायरी का निर्माण किया। सी गोज फ्रॉम द स्पॉइल्ड एंड सम वर्ड्स नेम गर्ल्स ऑफ 13 टू सेव कॉन्शियस 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह ऐसे विवाह करती थी जैसे कि वह 15 साल की हो गई थी। आल्दो यद्यपि सी हैड लिटल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उसके पास थोड़ी सी राजनीतिक समझ भी थी एट द स्टार्टिंग ऑफ द डायरी, डायरी के प्रारंभ में। सी क्वेश्चंस टू इशू एंटी सेमिस्टिस एंड वॉर, वह एंटी सेमिस्टिस और वॉर के बारे में कुछ कुछ प्रश्न करती है ड्यूरिंग हर टाइम ऑफ द एनेक्स के समय पर। सी सफर्स फ्रॉम द बेड बोर्डम्स डिस्पेयर्स एंड पटीस हेरेसमेंट्स फ्रॉम दोज राउंड सर्स, वह काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ से घिरी हुई थी, परेशान थी, व्याकुल थी, कि वह सोचती है कि उसकी जो अराउंड थी, उसकी जो डिस्पेयर्स थे, वो किस तरीके से समाप्त होगी। सी ऑल्सो डिस्कवर्स अ वेल्थ ऑफ गुड क्वालिटीज इन हर सेल्फ, उसने अपने आप में एक अच्छी अच्छी बातों को खोजना प्रारंभ किया। आफ्टर डिस्कवरिंग द एनेक्स रेसिडेंस, एनेक्स के रेसिडेंस के पाने के बाद, सी मूव्स टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन बर्लिन, वह बर्लिन में चली गई, जर्मनी में जो स्थित था। वेयर सी डाइड्स बिफोर हर 16th birthday, वो अपने 16th birthday के टाइम पे जो मर चुकी थी। इन द फरवरी ऑफ 8 अर्ली मार्च 1945 एना डाइज ऑफ टाइफस मतलब टाइफाइड एंड कॉन्सेंस कैंप्स द बर्गन बेसलैंड, और इस तरीके से एना की अंत हो जाती है बर्गन बेसलैंड में मार्च 1945 को। हाउ डिड एना फाइनल स्टॉप्स टू मिस्टर किसिंग टू पनिश हर, मतलब एना ने किस प्रकार से मिस्टर किसिंग को सजा देने से रोका। एना फ्रैंक हैड द हैबिट्स ऑफ टॉकिंग इन क्लास, एना की हमेशा बात हुआ करती थी बात करने की। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, मिस्टर किसिंग उसके मैथ के टीचर थे। ही वाज एंग्री, वो क्रोधित हो जाता थे विथ एना से बिकॉज क्योंकि सी टॉक्ड अ लॉट इन द क्लास, क्योंकि वो कक्षा में बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। सी वार्न्ड हर सेवरल टाइम्स, उन्होंने उसे कई बार मना किया, बट टू नो एवाइल्स, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। वन डे एक दिन सी पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो उसे अत्यधिक काम दे करके पनिश करना चाहा। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उन्होंने उसे लिखने के लिए बोला एसे अ चैटर्ड बॉक्स बातनी चीज ऊपर। एना रोट द एसे, एना ने एसे को लिखा। इन हर गेव्स द इंटरेस्ट आर्गूमेंट्स, अपने एक इंटरेस्टिंग रुचिकर आर्गूमेंट के साथ। मिस्टर किसिंग्स लाइक द एसे, मिस्टर किसिंग को वह एसे बहुत पसंद आया। बट एना स्पोक इन द क्लास अगेन, लेकिन एना जो थी वह क्लास में फिर से बोलने लगी। सो सी वाज गिविंग अ टास्क ऑफ द राइटिंग एनदर एसे, इसलिए उसे दूसरा एसे लिखने के लिए दिया गया। इन द टाइम अराउंड द थीम्स एज द एन इरिस्टेबल्स चैटर बॉक्स, बेतुकी बातें। फॉर टू लेसन्स आफ्टर दैट, इसके बाद 2 लेसन देने के बाद भी एना रिसीव्ड द पनिशमेंट, एना को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। बट ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरे लेसन के समय मिस्टर किसिंग सा एना थिंकिंग अगेन, एना फिर से बात करना प्रारंभ कर दी। सी वाज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। ही आस्क्ड हर, उन्होंने उसे पूछा,
टू राइट अनदर एसे दूसरे एसे लिखने के लिए द टॉपिक ऑफ द एसे वाज क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, मतलब उसने उसे अगला होमवर्क दिया जो क्या था क्वैक 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 चैटर बॉक्स के बारे में। द होल क्लास लाफ्ड, पूरा कक्षा हंस पड़ा। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू मेक अ जोक ऑफ ऑन एना, एना से वह थोड़ा सा आनंद कर रहे थे, हंसी चटोली कर रहे थे, बट एना रॉट द एसे इन द वेरी असम वे, इस एना ने उसके बारे में बड़े अच्छा तरीके से लिखा। मिस्टर किसिंग लाइक द एसे, मिस्टर किसिंग को वह ऐसे पसंद आई एंड डिड नॉट पनिश एना आफ्टर दैट, उसके बाद एना को कभी उन्होंने पनिश नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द एना फ्रेंड्स मेंटेन अ डायरी, एना फ्रेंड्स डायरी क्यों लिखना चाहती थी। एना डिसाइडेड टू कीप अ डायरी, एना एक डायरी रखना प्रारंभ की एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि पेपर्स हैज मोर पेशेंस देन ह्यूमन्स, मानव की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है। हर फैमिली कॉन्सिस्टेड ऑफ हर केयरिंग पेरेंट्स, उसके माता पिता भी थोड़ा उसके ऊपर कम ध्यान दिया करते थे, मतलब देखभाल करने में उसके माता पिता, और उसकी काफ़ी छोटी बहन थी जो 16 ईयर्स की थी, और अबाउट 30 पीपल्स होम शी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, लगभग 30 लोग ऐसे थे जिसे वो अपना मित्र कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। हाउएवर फिर भी ही हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास कोई अच्छा मित्र नहीं था। एंड ही डिड नॉट बिलीव्स, सॉरी यहाँ सी होगा, सी डिड नॉट बिलीव्स ऑफ एनी हिज फ्रेंड्स, वो अपने किसी मित्र पर विश्वास नहीं कर सकती थी। सी न्यू, वह जानती थी, यहाँ भी सी होगा, सी न्यूज, वह जानती थी द सिचुएशंस वुड नेवर चेंज, सो सी डिसाइडेड टू मेंटेन द डायरी, वह जानती थी किसी प्रकार से इस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी एक डायरी रखने के बारे में सोचा और समझा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द होल क्लास शेकिंग्स इन द बूट्स, जो पूरी कक्षा थी वह बहुत ज़्यादा परेशान क्यों थी। एंड हाउ डज एना डिस्क्राइब द बिहेव्स ऑफ हर क्लासमेट्स, उसने अपने क्लासमेट के बारे में किस तरीके से वर्णन किया, तो इसका हो जाएगा एना फ्रेंड्स क्लासमेट्स वर ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब होता है घबराहट के कारण, और विथ फियर मतलब डर के कारण घबरा रहे थे, एंड पैनिक और हताश हो रहे थे, डर रहे थे। एज टीचर्स वर इन द प्रोग्रेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, कि क्योंकि शिक्षक ने यह तय लेने का सोचा था कि प्रोसेस डिसीजन लेने का सोचा था कि अबाउट द फेट ऑफ द स्टूडेंट्स, उन बच्चों के भाग्य के बारे में। टीचर्स वर डिसाइडिंग विच स्टूडेंट्स वुड बी प्रमोटेड, टीचर ने निश्चय कर लिया था, तय कर रहे थे कि कौन बच्चा प्रमोटेड होगा फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड कौन स्टे बैक होगा पिछले क्लास के लिए, सेम क्लास के लिए। एना वाज वेरी कॉन्फिडेंस टू हर सेल्फ, एना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि हर फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के विपरीत, दैट सी वुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड, कि वह अगले ग्रेड में पास हो जाएगी, मतलब वह अगले क्लास में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द 3 ऐसे राइटिंग बाय एना फ्रैंक, तो अभी हमने इसके बारे में आपको वर्णन किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, अब इसे जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वहाँ उसने तीन प्रकार के ऐसे को दिया था, एक चैटर्ड बॉक्स था, एक एन इकोरेबल्स चैटर्ड बॉक्स था, और एक क्वैक क्वैक करके था। अभी इसके बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, आप जाकर के वहाँ से देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर्ड बॉक्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज का एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारा ये 4 चैप्टर्स है फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रैंक। आप देख रहे हैं लाबिम्स, मैं आपका प्यारा मित्र सी के यादव। क्वेश्चन नंबर 1, वाट वॉज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, मतलब उसे कौन सा सब्जेक्ट पर लिखने के लिए बोला गया। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, फालतू की बातें। वाट वॉज टॉपिक्स ऑफ इसे रिटन बाई एना, एना के द्वारा कौन सा टॉपिक लिखने के लिए दिया गया, तो वह क्या था, चैटर्ड बॉक्स था। नाउ डज एना एक्सप्लेन हर फादर, अपने माता अपने पिता के बारे में एना किस तरीके से बताती है, तो वह बताती है मोस्ट एडरेबल फादर, बहुत ही सम्मान्य पिता। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एना लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन थी, हर डायरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज शी वॉन्टेड टू बिंग हर डायरी, मतलब वह किस तरीके से अपने डायरी को रखना चाहती थी।
तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द डेट ऑन विच डेट डिड एना रिकॉर्ड द इंसिडेंट्स इन मिस्टर किसिंग्स इन द क्लासर डायरी। तो वह डेट थी 20 जून 1942, विच सिटी वर एना एंड मार्गोट्स सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर्स। तो वह क्या था, एशियन था, एशियन। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर द ओनली सर्वाइवर्स फ्रॉम द एनाज फैमिली। एनाज फैमिली के सर्वाइवर्स कौन थे, तो सर्वाइवर्स एक ही थे, उनके पिता। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनाज हैव, एना के पास कुल कितने सिबलिंग थे, तो एक ही बहन थी। व्हाट नेम हर बुक्स पब्लिश विथ, किस नाम से एना फ्रेंक का बुक पब्लिश हुआ, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था, एक पोयम लिखा था जिसका नाम क्या था, क्वेक क्वेक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली राइटन इन, कौन से भाषा में लिखा गया था, तो डच भाषा में लिखा गया था। Why was Mr. Kissing's annoyed with her? Mr. Kissing कैसा उसका उसके प्रति कैसा व्यवहार था, तो she was aggressive, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। Why was Anna's want to keep a diary? Anna's अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि she has no close friends. Question number 15, who would Anna's allowed to read her diary? मतलब एना किसे चाहती थी वो पढ़े, एना किस तरीके से रखना चाहती थी अपने एक फ्रेंड के रूप में। तो ये आपका था डायरी फ्रॉम डायरी ऑफ एना फ्रेंक का क्लास 10 का डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरे चैनल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।